वेल वेल, तो आ गया है अपना सबसे मोस्ट फेवरेट सुपर हीरोज का शो, येट सबसे बैड एस ट्रेलर के साथ, विच इज बॉयज सीजन 4। और इस ट्रेलर को देखकर अंदाजा लग रहा है कि इस बार वायलेंस का लेवल इनटू 100 रखा है इसमें। आई मीन वायलेंस वर्ड का यूज ही इसमें इतनी बार हुआ है, ऊपर से अपने होमलैंडर भाई ने भी बोल दिया है कि शो मी योर रैथ, तो इस बार किलिंग स्प्री होने वाला है ये सीजन। एंड देखो, ये तो पता था हमें कि जेनवी जो बॉयज का स्पिन ऑफ शो था वो कनेक्टेड तो होगा बॉयज से, लेकिन ऐसे डायरेक्टली कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा ये नहीं पता था। बाय द वे, आप में से जिन्होंने जेनवी नहीं देखा, तुम रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, और अगर आपको बॉयज का सीजन 4 देखना है तो जेनवी तो मोस्ट डेफिनेटली जरूरी होगा देखने को। तो अगर ट्रेलर की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिला कि दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं इसमें। सबसे पहला तो सूप्स का, जो एलाने जंग कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, खासकर होमलैंडर, जिसे हम जानते हैं कि वो अपने इमेज को लेकर सबसे ज्यादा पोजेसिव रहता है, लेकिन इस बार उसी का डायलॉग है कि इमेज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ हम इस सीन में देखते भी हैं कि होमलैंडर और स्टारलाइट दोनों के फैंस आपस में वॉर कर रहे हैं। जैसा हमें पता है कि पिछले सीजन में स्टारलाइट ने लाइव में सूप्स की और वॉट की असलियत बता दी थी, तो उसी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं यहाँ पे कि लोग बट गए हैं दो ग्रुप्स में, एक है विद द सूप्स और एक अगेंस्ट। बट यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सेवन में नए नए सूप्स की भर्ती हुई है, जिसमें से इस सूप का नाम है फायर क्रैकर एंड दिस इज सिस्टर सेज। अब इनके पावर्स का तो पता नहीं मुझे, बट ये दोनों डेफिनेटली रिप्लेसमेंट हैं सेवन में स्टारलाइट एंड मेव के। और यहाँ पर स्पॉइलर अलर्ट जिन्होंने जेनवी नहीं देखी, यहाँ पे हम देख सकते हैं केट एंड सैम, जिनको जेनवी के लास्ट में हमने देखा था जब होमलैंडर ने मरी को अपने लेजर से उड़ा दिया था। तो ये तो पता था हमें कि ये दोनों सेवन का पार्ट बनेंगे, बट मेरी एक थ्योरी है इसमें कि एज वी ऑल नो ब्लैक नोआर इज डेड, सो वॉट इफ अगर होमलैंडर ने सैम को ही ब्लैक नोआर बना के सेवन में भर्ती किया तो, आई मीन ये एक थ्योरी है बट मे बी। सो अगर इसमें केट एंड सैम है तो बाकी के जेनवी सूप्स भी होंगे या उनका कैमियो होगा। और इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव हमें दिखाया गया है बॉयज का, जहां दे हैव फाउंड अ वायरस जिससे सूप्स को खत्म किया जा सकता है, जिसकी झलक हमने जेनवी में भी देखी थी जब मैलरी से उसकी डील होती है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें वॉर बिटवीन होमलैंडर एंड बिली बुचर का। बट जो मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगा वो था कि इसमें एनिमल्स को भी कंपाउंड भी दिया गया है। आई मीन पहले हमने इन चिकन्स में देखते हैं, फिर इन शीप्स को, और ये सच में काफी वियर्ड बट इंटरेस्टिंग लग रहा था, जो कि इसे एक लेवल ऊपर ले जाता है, क्योंकि अभी तक इसका इंसानों पर असर तो देखा है हमने, लेकिन जानवरों पर ये कुछ नया होगा। एंड वायलेंस एंड खून खराबा तो भर भर के है इसमें, मतलब उसके बिना तो बॉयज को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट मैं देखना चाहूंगा कि इस बार एक्सप्लिसिट और वायलेंस की हद को कैसे पार करेंगे ये लोग। जैसा पिछली बार सीजन 3 के एपिसोड 1 का वो वाला सीन अगर आपको याद हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो था, एंड फिर हीरोगैज्म वाला एपिसोड। सो आई एम रियली अप फॉर इट इन दिस सीजन आल्सो। बाकी ओवरऑल मुझे बॉयज की सीजन 4 का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, एंड ये एक इकलौता ऐसा शो है जो आजकल के सुपर हीरो मूवी से भी ज्यादा बेटर है, बिकॉज इट्स फ्रीकिंग डायबॉलिकल। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीकी YouTube के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा।